कि मेरे पास एक हैंडमेड शीट का बैग है। आज हम इससे कुछ मछलियां बनाएंगे। सबसे पहले हम एक स्ट्रिप काटेंगे जो कि 10x5 की है। ये देखिए 10x5। देखिए ये स्ट्रिप काट लिए, ये 10x5 के देखिए 10 और जो इसकी चौड़ाई है ये 5 इंच है। अब हम इसे मछली बनाएंगे। इसे सबसे पहले हम फोल्ड करेंगे इस तरह से। देखिए इसे फोल्ड करेंगे हम, देखिए, और जो ये एक्स्ट्रा पीस है उसे हम हल्का सा काट देंगे। ये देखिए हमें इसे स्क्वायर शेप देना है, ये बिल्कुल स्क्वायर शेप आ गया है। देखिए अब हमें एक कट लगाना है जो कि बंद साइड है, वहाँ से नहीं लगाकर जो हमारी खुली साइड है यानी वो नीचे की तरफ, वहाँ से हमें लगाना है। यहाँ से हमें कट लगाना है, ये जो बंद फोल्ड साइड है वहाँ से नहीं लगाना है ना, नीचे से लगाना है। देखिए लगभग 1 इंच के लगभग मैंने ये कट लगाया है। देखिए 1 इंच के लगभग मैंने इस कट को लगाया है। देखिए मेरी मछली जहाँ से बंद है मैंने वहाँ से नहीं लगाया, दूसरी तरफ से लगाया है। अब हम इसको फेविकॉल से चिपकाएंगे, जो हमने कट लगाया उसको चिपकाएंगे। देखिए इस तरह से इस कट को हम ये चिपकाएंगे इस तरह से, और दूसरी तरफ से भी हम सेम यही प्रोसेस फॉलो करेंगे। देखिए इसको अच्छी तरह से फेविकॉल लगाकर चिपका देंगे, और जो दूसरा कट है नीचे वाला, हाँ, इसको भी हम इसी तरह से चिपकाएंगे फेविकॉल से। देखिए मछली की शेप आनी शुरू हो गई है। देखिए देखिए ये शेप बन गई है मछली की। अब हम इसे अंदर की तरफ भी फेविकॉल लगाएंगे और इसे मछली को पूरी तरह से बंद कर देंगे। देखिए चारों तरफ से हम इसमें फेविकॉल लगाकर इस मछली को हम बंद कर देंगे। देखिए इनको आपस में इस तरह से, ये देखिए, चिपका देंगे। ये देखिए इस तरह से ही पूरी मछली बनकर तैयार हो गई है। देखिए अब हम इस मछली के आँख बनाएंगे। एक कोई भी मार्कर पेन लेकर उससे हम इस मछली की आँख बनाएंगे। देखिए मैंने एक छोटा सा डॉट लगा दिया जिससे इसकी आँख बन गई है दोनों तरफ। ये देखिए ये आँखें बन गई है। अभी मैं एक छोटा सा डॉट और लगा दूंगी वाइट कलर का, इससे ये सुंदर लगेगा, ये बिल्कुल आँख का इफेक्ट देगा। देखिए इस तरह से दोनों तरफ मैंने ये छोटा सा एक डॉट लगा दिया वाइट कलर का वाइटनर से, जिससे ये बिल्कुल आँख लगेगी मछली की देखने में। देखिए कितनी सुंदर लग रही है, इसको थोड़ा सा बढ़ा दूंगी मैं आपको ताकि वाइट डॉट अच्छे से दिखाई दे। देखिए कितनी सुंदर लग रही है मछली। ये मेरे पास एक नेट का फैब्रिक है और ये मेरे पास एक रिंग है। देखिए अब इस फैब्रिक से हम इस सर्किल के अकॉर्डिंग गोल सर्किल निकालेंगे। देखिए लगभग ये 7 से 8 इंच एक्स्ट्रा हम कपड़ा निकालेंगे इस रिंग से एक्स्ट्रा। देखिए या फिर हम एक उंगल भी कह सकते हैं। देखिए मैंने ये गोल काट लिया है और थोड़ा सा एक्स्ट्रा निकाला है ताकि मैं इसको आराम से इस रिंग के चारों तरफ इस कपड़े को बांध सकूँ। ये देखिए अब हम छोटी छोटी स्लिट्स इकट्ठी करेंगे। देखिए इस तरह से मैं इनको इस तरह से इस कपड़े को इकट्ठा कर लूँगी। देखिए इस तरह से इस कपड़े को इकट्ठा कर अब मैं इसको चारों तरफ से इकट्ठा कर इसे टाइटली पकड़ लूँगी। देखिए मैंने इसे टाइटली पकड़ लिया है और अब मैं इसे एक धागे से बांधूंगी, जो सेम कलर का धागा है पिंक, इसी रानी कलर के धागे से मैं इसे बांधूंगी। देखिए इसे अच्छे से टाइटली पकड़ के बांध दिया मैंने। देखिए देखिए कितना अच्छा लग रहा है। और मैंने जो एक्स्ट्रा कपड़ा था उसे काट दिया है और ये मैंने थोड़ा सा कपड़ा इसके ऊपर ही छोड़ दिया है। अब मेरे पास एक आर्टिफिशियल फ्लावर है, वो मैं इसके ऊपर यहाँ बीचों बीच लगा दूंगी। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है। अब हम इसके नीचे की लटकन बनाएंगे। इसके लिए हम एक टैसल लेंगे। देखिए इसमें मैं अपनी सुई को डाल दूंगी इस तरह से, और फिर मैं इसके ऊपर एक ये जो ये इस तरह का मेरे पास एक बैल शेप का एक शो पीस है या फिर एक छोटा सा पीस है, इसे मैं इसमें डालूंगी इसके ऊपर टैसल के ऊपर। अब मैं इसके ऊपर कुछ मोती लगाऊंगी। देखिए मेरे पास कुछ मोती हैं, इसको मैं इस तरह से सेट करके अब मैं कुछ मोती लगाऊंगी। देखिए ये मैंने इस तरह से मोती लगाए और अब मैं एक मछली को इसके अंदर डालूंगी। थोड़ा ध्यान से कीजिएगा, सुई कहीं आपके हाथ में ना लग जाए। देखिए मैंने सुई डाल दी है, इसको सेट कर दूंगी मैं थोड़ा धागे को इस तरह से। अब फिर से पहले बीच में एक और मोती डालूंगी, फिर मैं अब मेरी दूसरी मछली, देखिए इस तरह से मैं इस मछली को इसके अंदर फिर से डालूंगी।
इस तरह से मैं टोटल तीन मछलियाँ इसके अंदर डालूंगी। देखिए अब एक और मछली मैं डालूंगी, ये टोटल ये तीन मछलियाँ मैंने इसके अंदर डाली हैं। देखिए बन गया है ये। अब मैं इसको, मैंने जो ये रिंग बनाई थी इसमें मैं इसको बांध दूंगी। देखिए इस तरह से मैं इसको अच्छे से पैक कर दूंगी या बांध दूंगी मैं इसको। ये देखिए एक नॉट लगा के मैं इसे यहाँ पर लटका दूंगी। ये देखिए इस तरह से ये लग गई है, देखिए कितना सुंदर लग रहा है ये। इसी तरह से मैं दोनों तरफ एक एक लटकन और लटकाऊंगी। ये देखिए फ्रेंड्स ये तैयार हो गया, मैंने दोनों तरफ एक एक लटकन और लटका दिए इस तरह से। देखिए ये कितना सुंदर लग रहा है।